अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRSD न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRSD न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद अपने दिल्ली से आज अपने गृह जनपद अयोध्या पहुंचे। लावारिस शवों के मसीहा कहे जाने वाले समाज सेवी मोहम्मद शरीफ चाचा का भव्य स्वागत अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर किया गया। मानवीय संवेदना पर किए गए उनके कामों के लिए साल 2019 में पद्मश्री से नवाजे जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते उन्हें यह अवार्ड नहीं मिल सका था। दरअसल 2 साल के बाद उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद शरीफ चाचा अयोध्या लौटे हैं। उन्होंने 28 सालों के बीच करीब 3000 से ज्यादा लावारिस शवों का विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया है, जिनमें से 1000 हिंदू और 2000 मुस्लिमों के शव शामिल हैं। वहीं पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद शरीफ चाचा ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित सम्मान मिलने के बाद मुझे अब यह महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार में समाज सेवा की कद्र है। राष्ट्रपति जी ने अवार्ड देते समय मेरे काम की तारीफ की और इससे बेहद खुश हुए थे। 28 साल की सेवा का प्रतिफल हमें मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में ताकत है, वह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते रहेंगे। आगे उनके परिवारजन इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उनको भरोसा है। मोहम्मद शरीफ ने कहा कि उनके समाज सेवा के काम में तमाम लोगों ने भी मदद की। ईमानदारी से अच्छा काम करने पर लोगों का सहयोग मिलता है। लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करने का जो बीड़ा उन्होंने 3 दशक पहले उठाया था, उसे पूरा करने के दौरान कई कटु अनुभवों का भी एहसास हुआ। उन्होंने सरकार से पेंशन के तौर पर रेगुलर आर्थिक मदद और मकान की मांग की। उन्होंने कहा कि शासन से उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन यह कब लागू होगा इसका पता नहीं है। शरीफ ने कहा कि उनके बेटे की सुल्तानपुर में हत्या कर दी गई थी, उसका शव पुलिस ने बरामद किया था और लावारिस समझ कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उसी के बाद उन्होंने लावारिस शवों का अपने स्तर पर अंतिम संस्कार करने की शपथ ली थी। खुशी हुई और वहाँ हमारे बहुत सब इज्जत किया, मोहब्बत किया और खुश हुए कि ऐसा काम करते हुए हमने आज तक कोई को परवाह नहीं की। क्या आप दोनों एकता का काम कर रहे हैं, कोई करता नहीं। अब आप लोग की बड़ी मेहरबानी है, जो सही खबर निकाल रहे थे तब राष्ट्रपति तक पहुँची, तब बुलाया राष्ट्रपति नीचे हमें से आए मिलने पर तकलीफ थे। साहब बहुत खुशी है आप, मोदी जी का धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मुझे ये कहना है कि साहब कुछ हमारे पेंशन मान दे, कुछ थोड़ा कर दे, कोई न मकान है हमारे पास तो कोई पेंशन का सहारा। आप राष्ट्रपति ने क्या कहा? आप मीटिंग में बात करें स्टेशन मास्टर के पास, याद आती होगी जब से आप कार्य किया था करीब 25 साल का भैया, सुल्तानपुर के किसी ने मार के फेंक दिया था। फिर मैं ढूंढते पता पुलिस वाले आए, थाना इंचार्ज वहाँ का, वो कारण में लिखा था पीरू टेरर था मुंह मार के, तो कारण पीरू टेरर कह गए कहीं हाँ शरीफ भाई का लड़की था, तो देखा कि मेरा लड़का सुल्तानपुर में मार दिया गया। मैंने कसम खा लिया ना मेरे लिए कोई हिंदू है ना मुसलमान, मैं फैजाबाद में किसी की लाश को नहीं फेंकने दूंगा। 28 साल से मैं 3000 हिंदू और 2000 मुसलमानों को कर चुका हूँ। ये आप लोग की मोहब्बत और शादी का सहारा है। राष्ट्रपति ने हमें भी बहुत मोहब्बत से सब पैसा है, आप लोग जैसे पैसा है, जो राष्ट्रपति पैसा है, गेट पर से उतर खुद गाड़ी पास हमारे पास आए, कहें साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRSD न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।